प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेसुंधुनम। सोहम सुरती समापतम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा जावें शेष 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावें शेष 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं डरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम।
गले प्रेम की रसरी, जाखें चोवा जाऊं तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिलन, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किस की शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय ना समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपूत हूँ, बहुर पिता कुलाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं बव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाह। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज हज का, अब सूझत और न ठोरी। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमर कथा सुन रहे हैं, सुनेंगे। आज स्टार्ट होगी, जिस आत्मा के बहुत ही पुण्य कर्म पुनर्जन्मों के संग होते हैं, उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी अच्छी आत्माएं जिनके और अत्यधिक पुण्यक्रम उनके साथ हैं, पूर्व जन्म की भक्ति संस्कार संयोग उनके साथ है, उसके कारण वो पुण्यात्मा और भी अत्यधिक पुण्यक्रमों युक्त होती है, जो सत्संग प्राप्त करती है। और सत्संग प्राप्त करके जो उपदेश ग्रहण कर लेते हैं, उनके पिछले पुण्यों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता, वो कितनी अच्छी आत्माएं। उन पुण्यात्माओं में से आप हो,
जो यहाँ परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए, सत्संग में आने से प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता, इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पूर्व सत्संग प्राप्ति से उपरा पहले हम यही सोच रहे होते हैं कि मनुष्य जीवन मिल गया, फिर विवाह हो गया, संतान की इच्छा हुई, संतान होगी, संतान की परवरिश कर दी, इनका विवाह शादी हो जावे, वो भी हो गया। फिर इच्छा होती है कि भगवान इनको संतान दे, और जब संतान के संतान हो जाती है तो फिर हम सोच लेते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि न तो आपका जीवन सफल हुआ और न ही आपका कर्तव्य पूरा हुआ। ये तो केवल वही पूरा हुआ जो होना था, आपके जो प्रारब्ध के अंदर था वही फला फूला, और इस मनुष्य जीवन से जो भविष्य के लिए आपने तैयारी करनी थी वो तो आपको पता भी नहीं लगा और आपने स्टार्ट भी नहीं किया। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान यानी अमर कथा अपनी जानकारी स्वयं देने के लिए, क्योंकि परमात्मा अमर है, केवल एक परमात्मा ही अमर है, और सभी जीव आत्माएं जो यहाँ किस ब्रह्मांड में हैं ये नाशवान हैं। जब तक ये जीव आत्मा है तब तक इनका जन्म और मृत्यु होता है, और जब ये हंस आत्मा हो जाती हैं फिर इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, सतलोक में निवास स्थान, स्थाई स्थान मिल जाता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं अपनी यथार्थ कथा को बताने के लिए। वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उस परमेश्वर के उस परम धाम में जाने की विधि कौन सी है, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु और जन्म कभी नहीं होता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, यह जानकारी सत्संग से उपलब्ध होती है। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में यदि कहीं सत्संग है तो यहाँ बरवाला आश्रम में है, इसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग नहीं है। वो केवल लोक वेद सुनाकर श्रद्धालुओं का जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ये बातें प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है उसको ऐसा लगता है जैसे ये संत, ये दास अभिमान कर रहा है। अभिमान नहीं, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, सच्चाई से परिचित करा रहा है कि इस विश्व में कहीं पर भी सत्संग नहीं है। हमारे सदग्रंथ सत्य से परिपूर्ण हैं, हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित हो जाने के कारण हमने असत्य ग्रहण कर रखा है। उस सत्संग को आपके समक्ष, उस सत्य सदग्रंथों के सत्य को आपके रूबरू कराने के लिए ये सब व्यवस्था की जा रही है। यदि हमने अपने सदग्रंथों को ठीक से जाना होता तो ये अज्ञान नहीं होता पृथ्वी पर। प्रत्येक धर्म के सदग्रंथ सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुरुवर थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे, वो हमें सदग्रंथों की सच्चाई नहीं बता सके, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस श्रीमद् भगवत गीता जी के इस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक से एक तो हमें ये ज्ञान हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, परमेश्वर है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, सर्वभाव का अर्थ है कि अन्य किसी भी देव में भगवान में आस्था ना रख कर एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर में ही आश्रित होकर उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी शरण से ही आपको परम शांति प्राप्त होगी। और तीसरा यह है कि वो सनातन परम धाम प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वतम स्थानम, वह स्थान जो कभी विनाश को प्राप्त ना हो, सदा रहे, जिसका कभी अंत ना हो, यानी अमर लोक, जिसे हम सतलोक कहते हैं। गीता ज्ञान दाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता अमर भगवान नहीं है। अमर मीन अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। स्वयं गीता ज्ञान दाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, 15 के भी 17 में और 2 के भी 17 में और भी अनेकों स्थानों पर कह रहा है कि वो परमात्मा अविनाशी है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं, अपनी पूजा को भी यहाँ रिजेक्ट कर रहा है कि केवल उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। तो वो कौन है वो भगवान, कौन है वो परमात्मा परमेश्वर, यह जानकारी देने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म आते हैं, सत्य पुरुष आते हैं, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में इस काल के लोक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा परमात्मा से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं है। परमात्मा का नाम खूब सुना है, परमात्मा की महिमा भी भक्तों संतों ने खूब बताई है, लेकिन वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है,
और वो स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती और परम शांति होती है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। सर्वपुरुष, सर्व माने नाशवान, सर्वपुरुष नाशवान प्रभु। एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, यहाँ तीन पुरुषों की महिमा है। सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है। और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, ओवरऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से, उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष जिसको हम सत्य पुरुष भी कहते हैं, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी, उस अविनाशी परमेश्वर सत्य पुरुष की साधना करने से, भक्ति करने से, इष्ट रूप में पूजा करने से, हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। हम उस लोक को प्राप्त होंगे, उस परम धाम को प्राप्त होंगे, सनातन परम धाम में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद हमारी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। सर्वपुरुष को ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। अपुन आत्माओं, आप सब एजुकेटेड हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, इसलिए शिक्षा आपको देना अनिवार्य था कि आप भगवान को पहचान सकें, नहीं तो 4 युग बीत गए, केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही विद्या ग्रहण करने का अधिकारी होता था, अक्सर ज्ञान ग्रहण करने का। और अब परमात्मा ने रजा बख्श दी है कि सभी मानव शिक्षित हो गए, और इस शिक्षा का हमें लाभ केवल यही मिला है कि हम भगवान को, परमात्मा को पहचानेंगे, अपने सदग्रंथों को स्वयं समझेंगे। तो परमेश्वर सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और इसकी भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, हमारा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। जब तक ये प्राणी जन्म मृत्यु में है, शांति नहीं हो सकती। आपने देखा है जिनको हम परमात्मा मानते थे, प्रभु मानते थे, इष्ट रूप में पूजते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, इनकी कैसी दुर्दशा हुई यहाँ जन्म और मृत्यु में रहते हुए। ये भी जन्म मृत्यु में है, और वैसे ये अवतार धार कर आए थे, जैसे श्री राम रूप में, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ श्री विष्णु जी का। उनका पूरा जीवन देखो कितना दुख में रहा, बचपन गुजरा, युवा हुए, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में पत्नी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति युद्ध में मारे गए, सीता जी की वापसी हुई कुछ ही वर्षों के बाद, सीता जी का निष्कासन स्वयं श्री रामचंद्र जी ने कर दिया, निकाल दिया उनको घर से, आजीवन बच्चे कहीं, पत्नी कहीं, आप कहीं, तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे बेशक भगवान की संज्ञा में हो। उसके पश्चात श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी का जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, पीछे पड़ा रहा, फिर कभी जरा सिंह सेना लेकर आ रहा है, कभी काल्यवन, आखिर में भगवान ने वो मथुरा भी छोड़ना पड़ा, जिस मथुरा को पूजने के लिए ये तत्वज्ञानहीन संत हमें निर्देश देते हैं कि वहाँ भगवान घूमया करते थे, वो पवित्र भूमि होगी है, वहाँ जाने से मोक्ष होगा। भगवान श्री कृष्ण जी तो उस अक्षेत्र को त्याग कर चले गए थे,
यदि वो ऐसा क्षेत्र होता, यही मोक्ष संभव था, तो भगवान क्यों जाते उस क्षेत्र को छोड़कर द्वारका बनाई। और इसीलिए प्रभु ने कृपा की कि उस द्वारका का नाम और निशान मिटा दिया कि कोई फिर यहाँ धके खाण ना हो पूजने के लिए। अब द्वारका ना पाई तब मथुरा में ला दिए इन अनजानों ने वहाँ धक्के खाण के लिए। तो कहने का भाव ये है कि तत्व ज्ञानहीन प्राणी नीम हकीम होता है, और इन नीम हकीमों ने हमें मिसगाइड कर दिया, भक्ति से दूर कर दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया और जन्म मृत्यु के रहट में हमें डाल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन देख लो, उन्होंने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया। अंत क्या हुआ उन भगवानों का? श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अंत समय में भी नहीं मिल पाए, अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली दुखी होकर के। और श्री कृष्ण जी का अंत आपके समक्ष है, पूरा यादव कुल यानी उनका पूरा खानदान, पूरा वंश नष्ट हो गया। आपस में लड़ मरे, भगवान श्री कृष्ण बचाव नहीं कर सके। पहले सभी श्री कृष्ण जी को सिरोधार्य मानते थे, लेकिन जब वह काल की घड़ी आई, काल का दबाव हुआ, श्री कृष्ण जी की एक नहीं मानी किसी ने। आपस में लड़ मरे और श्री कृष्ण जी को भी अंत में अपने किए कर्म का बदला देना पड़ा, अपना कर्म दंड भोगना पड़ा, प्रारब्ध को भुगतना पड़ा, ये उसको समाप्त नहीं कर सके। जैसे श्री रामचंद्र रूप में सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था श्री रामचंद्र जी ने धोखे से, उसका भी बदला श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। एक शिकारी जो कि बाली वाली आत्मा थी वह शिकारी बना, श्री कृष्ण जी के समकालीन हुआ और अंत में श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध किया। तो परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही वो परमात्मा है जो हमें परम शांति प्रदान करते हैं और सनातन परम धाम प्राप्त करवाते हैं। तो वो परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तो पुण्यात्माओं, जिसमें हमें भगवानों के अंदर हमें डिफरेंस का पता चलेगा, परमात्माओं के अंतर का पता चलेगा, तभी हम उसको चाहेंगे। तुलनात्मक तरीके से सभी ज्ञान दिया जाता है, जैसे सरपुरुष, ये अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीन प्रभु हैं, और ये ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये तो बहुत एक देव रूप में आते हैं, देवताओं की संज्ञा में है ये। पहले इनकी थोड़ी स्थिति सभी भगवानों की बताते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में से 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। इन पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के ऊपर इन तीनों प्रभुओं का, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, इन तीनों प्रभुओं का एक एक विभागीय, एक एक विभाग यानी रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी शंकर जी, ये एक एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं, केवल इन 3 लोकों के ऊपर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। और इनका जो पिता है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, यह 21 ब्रह्मांड का अधिपति है, प्रभु है, जिसको
स्वामी भी कहते हैं। तो ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, राम है। राम कहो, स्वामी कहो, प्रभु कहो, साहब कहो, अल्लाह या गॉड कहो, ये भाषाभिन्न और पर्यायवाची शब्द हैं। तो सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। प्रत्येक ब्रह्मांड में इसके जैसे एक ब्रह्मांड में ये जीव है, बाकी खाली पड़े हैं, जिसमें इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। फिर सभी जीवात्माएं दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी और अपने संस्कार वश पुनः वहां पर फिर जन्म होगा। ऐसे फिर उस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे, फिर उसका अंत हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो ये एक ब्रह्मांड पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, फिर ये नए सिरे से इसका निर्माण होता है, उसमें काफी खरबों वर्ष लग जाते हैं। तब तक वो हमें दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है ये काल सर्वपुरुष। तो ऐसे एक ब्रह्मांड में इस सर्वपुरुष, जो सर्वपुरुष कहते हैं, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ये एक ब्रह्मांड में समझो मुख्यमंत्री का रोल करता है। और इसके तीन पुत्र यहां विभागीय मंत्री हैं, और ये विभागीय मंत्री केवल इन तीन लोकों के ऊपर ही इनका आधिपत्य है, बाकी शेष ब्रह्मांड पर इनके पिता यानी ब्रह्म का, सर्वपुरुष का आधिपत्य है, उसका ओवरऑल कंट्रोल है, इनक्लूडिंग पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक सबके ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि अब हमने ये देखना है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी कितने प्रभु हैं, ये कितने राम हैं, कितने मालिक हैं। तभी हम जो भगवानों की स्थिति से, शक्ति से, सामर्थ्य से हम परिचित हो जाएंगे, फिर हम उस परमात्मा को चाहेंगे जिससे हमें सर्व सुख प्राप्त हो। एक के साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, माली सी च मूल को फिर फल फूल अगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था प्राणी की रह जाती है, ऐसी स्थिति इस जीव की उस समय बन जाती है जब ये तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है और परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है, उसकी महिमा से परिचित हो जाता है, फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है अन्य देवताओं भगवानों के प्रति जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है। ये ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान उस समय बोला जा रहा था जिस समय पूरी पृथ्वी पर केवल जलाशयों पर आधारित ही प्राणी हुआ करते थे। नीचे का जल बहुत गहरा होता था, कुएं भी बहुत कम खोदे जाते थे, और एक बड़े सरोवर के आसपास बहुत बड़ी नगरी बस जाती थी, और कई छोटे जलाशय होते थे, उनके आसपास छोटे छोटे कबीले रहते थे झोंपड़ी डालकर। तो उस जलाशय यानी जोहड़ तालाब से ही पीने का जल ग्रहण करते थे, उसी से पशुपालन करते थे, पहले पशुपालन ज़्यादा करते थे और बाकी अन्य खेती वगैरह कम करते थे, क्योंकि फलदार वृक्ष होते थे और वैसे भी जंगल के अंदर आम जो है कनक उपलब्ध हो जाती थी। तो उसमें पीने के लिए, पशुपालन के लिए थोड़ी बहुत कोई सिंचाई करते, सब्जी वगैरह लगाते, तो भी उस तालाब से ही सिंचाई की व्यवस्था किया करते थे। और वो तालाब कैसा होता था कि जैसे वर्षा के दिनों में वर्षा हुई तो तालाब भर गया, उसमें स्टोर हो गया वाटर,
और फिर सारा वर्ष उसी को प्रयोग करके निर्वाह किया करते थे, उनसे जीवन निर्वाह होता था उस पर आश्रित व्यक्तियों का। और यदि दो वर्ष, एक वर्ष, दो वर्ष वर्षा ना हो तो जलाशय, छोटा जलाशय सूख जाता था, उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़प तड़प कर मर जाते थे, जल उपलब्ध नहीं होता था, यानी वो भी सुरक्षित नहीं थे। और उन व्यक्तियों को फिर बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ी झील सरोवर जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और जिनको वो जल सरोवर मिल जावे, वह जल स्रोत मिल जावे, उसके पश्चात उस छोटे तालाब में, उस छोटे जोड़ में अब कैसी आस्था होगी, अंडरस्टूड है। कहने का भाव ये है कि वो छोटे जलाशय का जल बुरा नहीं था लेकिन सुफिशेंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, उस पर आश्रित रहने से वो सुरक्षित नहीं थे, वो तो काम चलाऊ था। और अब मिल गया बहुत बड़ा जलाशय, 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त नहीं हो, तो उसकी प्राप्ति के बाद फिर सबकी ऑटोमेटिकली आस्था उस जलाशय में जुड़ जाती है और छोटे जलाशय को त्याग जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 का ये जो तात्पर्य है, ये अब आपका समझ में आएगा कि जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी या श्री देवी जी या इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता श्री ब्रह्म सर्वपुरुष तक ही सीमित थे, जो ये कहते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, वो अपने आप में घने सुपीरियर समझे थे कि हम ब्रह्म की पूजा करते, और अन्य को वो हे समझते थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं ये व्यर्थ है, और ब्रह्म की पूजा हम कर रहे हैं, हमारा जीवन सफल है। अब पता चलेगा कि ब्रह्म की स्थिति क्या है, और जो ब्रह्म साधना करते थे, ब्रह्म साधना में क्या आता है, पांचों यज्ञ करनी होती हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की, जिसको स्वाध्याय भी कहते हैं, और सत्संग सुनना ये भी ज्ञान यज्ञ है, सत्संग करना भी ज्ञान यज्ञ है, और साथ में ओम नाम का जाप, ये ब्रह्म साधना कहलाती थी। और ब्रह्म साधना करने वाला, ब्रह्म सर्वपुरुष की साधना भक्ति करने वाला, वो कहाँ जाता है, ब्रह्म लोक में। श्रीमद देवी भागवत 7वां स्कंद, श्री देवी खुद स्वयं हिमालय राजा को ज्ञान सुना रही है, आध्यात्मिक ज्ञान सुना रही है, और कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, सब पूजाएं त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करती है और कहती है केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से तू कहाँ जाएगा, ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, और वो ब्रह्म ऊपर ब्रह्म लोक में रहता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म की साधना करने वाला, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म लोक में जाएगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह स्पष्ट कराया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, जैसे विष्णु जी का लोक है, शिव जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, दुर्गा का लोक है, ब्रह्म लोक है, या अन्य धर्मराय का लोक है, या स्वर्ग लोक है, कहते इन सभी लोकों में गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, अर्थात उनका जन्म और मृत्यु होता है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वो अपने पुण्यों के अक्षीण होने पर उन लोकों से फिर वापस मृत लोक में आते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ
कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्म और दुर्गा, यहां तक कि ब्रह्म माने सर्वपुरुष कहो, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, और केवल इसको ब्रह्म भी बोल देते हैं। जब तक ब्रह्म से ऊपर दो प्रभु और हैं, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, इनकी जानकारी नहीं थी, तब तक इस ब्रह्म को फाइनल मान रखा था, इसलिए इसको फाइनल गॉड यानी ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है, तो ब्रह्म माना जाता था। अब जैसे किसी कार्यालय में कोई नौकरी करते हैं तो उस उन कर्मचारी और अधिकारियों के लिए उनका जो बॉस होता है, जैसे कोई डीसी ऑफिस में काम करते हैं, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके जितने भी वहाँ कर्मचारी या सुप्रिंटेंडेंट आदि होते हैं, वो एक दूसरे को संबोधित करते समय ये कहते हैं कि साहब ने ये काम कहा है, आप कर दीजिए, साहब का आदेश है, इस फाइल को पहले निपटाना है। तो उनके लिए अंडरस्टूड था साहब, डीसी साहब, क्योंकि उनका कंट्रोलर, उनका बॉस वो साहब है। अब साहब कहो चाहे राम कहो, चाहे प्रभु कहो, चाहे स्वामी कहो, अब जो जितनी क्षमता रखता है वो उतना ही राम है। पहले यहाँ राम की परिभाषा यानी साहब की परिभाषा आपको थोड़ी सी डिफाइन करते हैं। जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एक जो है एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब कहा जाता है, मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, और राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। अब इन साहबों में बहुत अंतर है, प्रत्येक की क्षमता में, इनकी शक्ति में अंतर होता चला जाता है, लेकिन अपने क्षेत्र में ये सभी साहब प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे डीसी ऑफिस में डीसी के अंतर्गत जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो स्पष्ट एक ही बात बोलते हैं, साहब ने ऐसा बोला, उनके लिए अंडरस्टूड है ये साहब कौन, डीसी साहब। तो ऐसे ही ये दास आपको समझाना चाहता है कि डीसी कितना साहब है आपको खूब पता है, और फिर उसके ऊपर मंत्री साहब, मंत्री का भी आपको मालूम है, एक विभाग का अधिपति है, स्वामी है एक स्टेट में, मुख्यमंत्री केवल एक स्टेट में मालिक है, और प्रधानमंत्री वो भी साहब है और पूरे देश में मालिक है। जैसे हम कहें कोई मंत्री साहब कहता है, मंत्री साहब, जैसे मंत्री के कार्यालय में जितने भी अधिकारी कर्मचारी आईएएस पीएस जो भी आते हैं वो सभी कहते हैं, वहाँ जो उनके सेक्रेटरिएट में ऑफिस होता है वो कहते हैं साहब ने ऐसे आदेश दिया, तो उनके लिए उनका साहब वो मंत्री है जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। तो मंत्री जो है फाइनल साहब नहीं है, फिर मुख्यमंत्री के जो कार्यालय में काम करते हैं वो भी यही कहते हैं साहब ने ऐसे कहा है, सीएम साहब भी कह देते हैं, फिर सीधा साहब भी बोल देते हैं, साहब का आदेश है, तो उनके लिए अंडरस्टूड है कि वो साहब उनका मालिक। लेकिन सीएम कंप्लीट साहब नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। तो ऐसे समझो, जहां हम ब्रह्म कहते थे, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, और यहां का ये सुप्रीम है, सुप्रीमो है, इसलिए ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, और इन सभी ने ब्रह्म अंडरस्टूड कंप्लीट गॉड, इन्होंने ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, जबकि यू एक ब्रह्मांड का गॉड था, स्वामी था, मालिक था, प्रभु था, जिस कारण से केवल ये हो गया कि ब्रह्म, हम ब्रह्म साधना करते हैं, हम साहब की साधना करते हैं, हम भगवान की साधना करते हैं, और अन्य को वो देव कहा करते थे कि और सब देवता हैं, ब्रह्म सुप्रीम पावर है। अब आपको तत्वज्ञान की रोशनी से पता चलेगा कि कौन है वो कंप्लीट गॉड, कौन है वास्तव में ब्रह्म, कौन है परमात्मा। अब इसीलिए ब्रह्म को डिफाइन करना पड़ा, ब्रह्म के साथ जो है डिफ्रेंशिएट लगाना पड़ा, जैसे इनको भिन्नता बताने के लिए उपमा लगानी पड़ी, जैसे सर्वपुरुष जिसको सर्वब्रह्म कहते हैं, एक सर्वब्रह्म, फिर अक्षर ब्रह्म,
और फिर परम अक्षर ब्रह्म। अब इस ब्रह्म को अच्छी तरह समझने के लिए कि कौन है वो ब्रह्म, एक तो सर्वब्रह्म ब्रह्म माने भगवान, नाशवान भगवान कौन, सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गौड़ अल्लाह कहो, तो सर्वब्रह्म तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म जिसको हम ब्रह्म कहा करते थे, ये सर्वब्रह्म है वास्तव में। इसको काल भी कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए आया हूँ, अपरिवर्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण काल नहीं था, श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा अपने आप को काल, और बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल जो है ये गुप्त कार्य करता है, ये इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये ऐसे कर्म करता है किसी में प्रवेश करके ही अपना जो कुछ वो लुसीदा करना कर जाता है, फिर बाद में महिमा और डेबिट और क्रेडिट उसी को मिल जाता है जिसके अंदर ये प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा करता है। तो इसको काल भी कहते हैं, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यही काल गीता बोल रहा है, ये सर्वब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, ओम केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है। ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, व्यवहारण माने उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, मुझ ब्रह्म का ये एक मंत्र है, और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ओम नाम का उच्चारण यानी जाप करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम यानी जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक भी जो मेरे पर आश्रित है, मेरे में भावित है, और इस नाम का जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को, जो ओम से मिलने वाली है, ओम से जो राहत मिलनी है, जितना मोक्ष होना है, जितनी गति होनी है, उसको ब्रह्म की परम गति कहते हैं। और ओम से अभी आपको बता के मिलेगा ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया इसने, और ये स्वयं 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी यही स्पष्ट किया है, 15 और 16 में तीन प्रभुओं की जानकारी दी है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और वास्तव में वो परमात्मा अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो परम गति ओम के जाप से होनी है वो व्यर्थ है, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि ये जो ज्ञानी आत्मा है ये हैं तो नेक उद्दार हैं, पर ये मेरे वाली घटिया गति में ही स्थित हैं। ओए होए, अनुतमाम गतिम माम एवं अनुतमाम गतिम आस्थिता से ही युक्त आत्मा, ये ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति में लीन ये हैं तो अच्छी आत्माएं, ज्ञानी आत्मा उदार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया अनुतम, अनुतम माने घटिया व्यर्थ अश्रेष्ठ, और इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। अरे तेरा गजब हुई, अंग्रेजी का वर्ड है बैड, और बैड का अर्थ कोई बालक या कोई भी बड़ा उसका अर्थ गुड करता है बैड का, तो कितना बुद्धिमान अकल उसका पता लग जाता है, तो वो कति
अज्ञानी व्यक्ति है जो बैड का अर्थ गुड करे, अनुत्तम का अर्थ को श्रेष्ठ करता है तो मूर्ख है, महामूर्ख है। अरे न अति श्रेष्ठ कर दिया। तो यहाँ ये नहीं समझ सके इस तत्व ज्ञान को, गुड़ रहस्यों को, जिस कारण से इन व्यक्तियों ने, उन नकली गुरुओं ने पूरे मानव समाज को मिसगाइड कर दिया और उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया और कोई पशु योनियों में भटक रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो ब्रह्म साधना है, सर्वपुरुष की जो साधना है, जिसको ये सुप्रीम मानते थे, वो व्यर्थ है। इति सितम। अब हम लेते हैं अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभुओं का बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दिया है, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष। ये तो 16वें श्लोक में बता दी, 15वें अध्याय के, कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं। ये भगवान भी नाशवान है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। आत्मा किसी के मरती नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो कुत्ते के बिना मरती, गधे के बिना मरती, भगवान का जिक्र के है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ओए होए, उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु ब्रह्म, वो उत्तम पुरुष, उत्तम परमात्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने श्रेष्ठ भगवान, सर्वशक्तिमान, वो तो कोई और है, इन दोनों से अलग है। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में बताए हैं उनसे अन्य है और वही परमात्मा कहलाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है और उसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक त्रयम आवि से विवर्ती, अवे ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। यहाँ तीन लोक ये नहीं है, स्वर्ग लोक और पताल लोक और पृथ्वी लोक, नहीं, यहाँ तीन लोक हैं, सतलोक यानी पूर्ण परमात्मा का जो अधिपति, और फिर अक्षर पुरुष और फिर ये सर्वपुरुष, इनके लोक और इंक्लूडिंग परमात्मा का लोक, इन सभी का धारण पोषण करने वाला भी वो पूर्ण परमात्मा ही है। जैसे 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि ऊपर न जड़ वाला, ऊपर को परमात्मा जो है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तो समझो जड़ है, मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, और अक्षर पुरुष का तना समझ लो, और सर्वपुरुष एक मोटी डार जानो, अड्डार के फिर तीन शाखा हो, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीन शाखा हैं और आगे पातरूप है संसार, हम पातरूप में हैं। तो मूल से एक आहार चलता है पेड़ को, मूल से, और वही तना में तना से, डार में डार से, फिर शाखाओं में शाखाओं से पत्तों तक आता है। तो अब अंडरस्टूड है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में ये बताया है, वो मूल परमात्मा, जड़ रूपी भगवान, मूल मालिक, सबका दाता, वो जड़ है समझो सारे ब्रह्मांडों की, वहीं से सबको शक्ति प्राप्त होती है, उसी से सबको यहाँ कर्म वर्क जैसा जिसका है वैसा प्राप्त होता है। तो वो वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी भगवान, अवे ईश्वर, वो है अवे परमेश्वर, वो अविनाशी परमात्मा है। अपुण आत्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसमें अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म कहते हैं उसकी आयु की सीमा दी है, उसकी आयु की गणना बताई है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया यहाँ पर, उस मूल संस्कृत के अंदर मूल पाठ में उसमें लिखा है कि ब्रह्म ने
युग है, ए संसार युग है ब्रह्मण है। ब्रह्मण माने परब्रह्म, ब्रह्मण का अर्थ यहाँ पर इसलिए परब्रह्म लगा जाएगा, ब्रह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म से बड़ा भगवान, यानी बड़ा प्रभु। तो यहाँ ब्रह्मण का अर्थ है परब्रह्म, क्योंकि यहाँ आयु की गणना है, और जहाँ आयु की गणना नहीं है वहाँ ब्रह्मण का अर्थ होता है परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ इस अक्षर पुरुष को भी अविनाशी कहते हैं, लेकिन यह भी नाशवान है। अब यहाँ थोड़ी सी इनकी कलाबाजी दिखाते हैं गीता अनुवादकर्ताओं की, अनसमझो।